नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर जो है हमारे पास वेक्टर फील्ड है वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चुका है, पावर आ चुकी है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा डेरिवेटिव्स को लेना, अगर किसी को डेरिवेटिव्स पावर में लेना मुश्किल लगता है तब, वरना ये तो बहुत सिंपल है। हम लोग डेरिवेटिव्स के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। होप कि सबको क्लियर होगा। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पहले से लिख दिया है ताकि हम लोग कर्ल ऑफ एफ जो है वो चेक कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कर्ल ऑफ एफ जो है वो जीरो के इक्वल है तब ही आप फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। एंड लेट मी चेक कि यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें पोटेंशियल फंक्शन हम नहीं फाइंड कर सकते। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ऐसा कोई भी फंक्शन है जिसमें हम लोग पोटेंशियल फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते, बट इट विल भी ये जो है वो नेसेसरी एक कंडीशन सी आ जाती है, तो आपने फाइंड कर लेना है, बस कर ले, ऐसे भी कुछ नहीं होता है इतनी छोटी सी चीज़ से, ठीक है। ये तो वैसे भी हम लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। सो अगर ये जीरो के इक्वल है तब आप पोटेंशियल फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, एंड हमें पता है कि ये जीरो के इक्वल होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है मेरे ख्याल से जिसमें पोटेंशियल फंक्शन हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो कहाँ थे हम लोग, चलिए इसमें हम लोग जो है डेरिवेटिव ले लेते हैं, इनपुट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये जीरो के इक्वल है या नहीं। सो मैंने फॉर्मूला तो यहाँ पर लिख दिया है, अब एक एक करके मैं जो है वो चीज़ें फाइंड करूँगी। अगर सबसे पहले हम लोग पी को देखें तो पी क्या है, पी है हमारे पास ई की पावर वाई प्लस टू जेड आई, ठीक है। देन पी क्यू आर, क्यू क्या है, ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड और जे, एंड देन फिर से मल्टीप्लिकेशन में है तो टू एक्स एंड देन ई की पावर वाई प्लस टू जेड एंड के। तो ये हमारे पास तीन जो है वो कंपोनेंट्स हो गए हैं। चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पर जो है वो पुट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर देखिए हम लोग यहाँ पर आर को विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, तो आर का ये रहा, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी, तो टू एक्स हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। एंड पावर हमारे पास जो है ऊपर है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर लें ई की पावर वाई प्लस टू जेड का डेरिवेटिव, ई की पावर यही होता है, ठीक है, वाई प्लस टू जेड, एंड देन हम लोग अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं दिस पावर, दिस पावर क्या है, वाई प्लस टू जेड, ठीक है। ये यहाँ पर मैं बता रही हूँ, वरना मैं डायरेक्ट लिख रही थी, सोचा फिर भी एक दफ़ा बता दूँ, ठीक है ना। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि e की पावर y प्लस टू जेड का डेरिवेटिव e की पावर y प्लस टू जेड ही होता है, बट अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे ऑफ दैट पावर, तो दैट पावर का क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा एंड 2z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर 1 आ जाएगा, जो कि हम नहीं लिखेंगे बिकॉज नाउ हम बड़े हो गए हैं एंड हम लोग 1 नहीं लिखते मल्टीप्लीकेशन में। तो ये हो गए हमारे पास i के फैक्टर्स, ठीक है ना, दिस इज द i। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ r को किया था, नाउ हम लोग माइनस करेंगे और q को विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे, तो q ये रहा विद रिस्पेक्ट टू z, x यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा, e की पावर y प्लस टू जेड का डेरिवेटिव e की पावर y प्लस टू जेड ही होता है, तो ये होगा e की पावर y प्लस टू जेड, ठीक है। एंड देन इसी पावर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो हमारे पास 1 आएगा जिसको मैं नहीं लिखूंगी, एंड देखिए हमने एक दफ़ा कर दिया, अब बाकियों को मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, ठीक है। तो क्योंकि अब ये वाली चीज़ जो है मैं काफ़ी दफ़ा समझा चुकी हूँ, तो होप कि आपको जो है वो डेरिवेटिव लेना अच्छे तरीके से आता हो, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो ये हो गया है आई प्लस, अब ये जे और के मैं एज इट इज़ लिखूँगी। तो अगर हम लोग पी को विद रिस्पेक्ट टू जो है वो जेड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा टू ई की पावर वाई प्लस टू जेड, एंड आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो भी हमारे पास टू ई की पावर वाई प्लस टू जेड आएगा, ठीक है। सो देख लीजिए कि आपके पास ये आ रहे हैं, कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। एंड देन अगर क्यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ मैं तो मेरे पास आएगा ई की पावर वाई प्लस टू जेड, एंड माइनस पी को विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ई की पावर माइनस टू जेड ही आएगा। दिस इज़ द के टर्म्स, अगर आप देखें तो इस एक जैसे टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के देगा, जिसका मतलब है कि कर्ल ऑफ एफ जो है वो हमारे पास जीरो के इक्वल है। सो नाउ दिस इज अ कंजर्वेटिव, सो वी कैन फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि हम लोग पावर में डेरिवेटिव्स किस तरह लेंगे। आगे बढ़ते हैं
फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल फंक्शन. सो कंपोनेंट हमने निकाले थे, अब उस कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइव, ठीक है ना. सो यहाँ पर जो है तीन फंक्शन हमारे पास बनेंगे, पार्शियल फाइव बाय पार्शियल ऑफ एक्स, देन पार्शियल फाइव बाय पार्शियल ऑफ वाई, पार्शियल फाइव बाय पार्शियल ऑफ जेड, ठीक है. तो तीन कंपोनेंट्स है, इसको हम लोग विद पी लेंगे, पी क्यू आर, ठीक है. तो पी क्या है हमारे पास, पी है हमारे पास ई पावर वाई प्लस टू जेड, एंड देन क्यू हमारे पास क्या है, एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड, एंड देन ये हो जाएगा टू एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड, ठीक है. सो हमने जो है अपने फाइव के फंक्शंस बना लिए ना. सबसे पहले हम लोग ये वाला फाइव लेंगे, पी से स्टार्ट करेंगे, आर पे ख़त्म करेंगे. जैसे स्टेप्स हम लोग शुरू से कर रहे हैं, मतलब सेवन एट, इसी तरह हम लोग नाइन में भी यही स्टेप्स करेंगे, वही स्टेप्स हैं फॉलो करेंगे, एंड देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है ये वाला फंक्शन ले लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये हो जाएगा फाइव ऑफ एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड, ठीक है. अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पर भी डी ऑफ जेड एक्स, तो डी ऑफ एक्स हम बोथ साइड लिख देंगे. डी ऑफ एक्स कैंसिल, पार्शियल और इंटीग्रल जो होता है वो कैंसिल हो जाता है. सो हमारे पास बच जाता है फाई, फाई का फंक्शन क्या है, एक्स वाई जेड का है, इक्वल टू हमारे पास बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई की पावर वाई प्लस टू जेड एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है. अब यहाँ पर जो है हम लोग इंटीग्रल को भी देख लेंगे कि हम लोग इंटीग्रल कैसे ले रहे हैं, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फाइव दो विल बी एज इट इज, ई की पावर वाई प्लस टू जेड का डेरिवेटिव हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन ही इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे. अब ये क्यों इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहीं एक्स नहीं है, ठीक है. इसीलिए इस फंक्शन को हम बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा वाई प्लस टू जेड. अच्छा ये z है तो इसको z ही समझिए, ठीक है. मैं z लिख रही हूँ बट आई थिंक काफ़ी छोटा है ना, तो इसलिए 2 दिख रहा है. सो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल ऑफ d ऑफ x आ जाएगा, ठीक है. अब अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा e की पावर y प्लस टू जेड, एंड हमें पता है कि जब हम लोग इंटीग्रल ऑफ d z लेते तो वो हमारे पास x dx, मैं कब से z बोल रही हूँ, लेट्स टेक सम टाइम, d ऑफ x, तो हमारे पास x आ जाएगा. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x e की पावर y प्लस टू जेड, ठीक है. सो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल आ गया, फाइव का फंक्शन हमारे पास ये है. लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ x के फंक्शन को इंटीग्रेट किया है, y z का फंक्शन तो रह गया. सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक आर्बिट्री कॉन फंक्शन, जो कि होगा g y ऑफ z, ठीक है. दिस इज़ द आर्बिट्री फंक्शन ऑफ y एंड z, इसको हमने मेंशन कर देना है, ठीक है ना, कि ये किस चीज़ का फंक्शन है, ये कौन सा आर्बिट्री फंक्शन है, y और z का, ठीक है. नाउ बढ़ते हैं आगे. सो इसको हम लोग जो है एक नाम दे देंगे, हम लोग नाम दे देंगे इसको फाइव, एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड, एंड फंक्शन आर्बिट्री फंक्शन वाई और जेड का, इसको हम दे देंगे एक कैपिटल स्टार. तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन, ठीक है. नाउ जैसे कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे आगे, जैसे कि हम लोग हर बार करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी करेंगे. अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो भी फाइव के फंक्शन को, ठीक है. सो यहाँ पर आप लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, फाइनली तो मैंने डिफरेंशिएट फाइव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड इक्वेट टू पी के बाद क्या आता है, पी के बाद आता है क्यू, तो क्यू के साथ हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है. सो लेट्स टेक द फाइव फंक्शन, ये हो जाएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू क्यू, क्यू क्या था हमारे पास, क्यू था हमारे पास एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड, ठीक है.
चलिए यहाँ पर फाई का फंक्शन पुट करते हैं। फाई का फंक्शन कहाँ है? ये रहा हमारे पास, ये फाई का फंक्शन है पूरा का पूरा, तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल ऑफ वाई, फाई का फंक्शन लिखेंगे एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड एंड देन प्लस जी वाई ऑफ जेड इक्वल टू एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड। ठीक है, सो अगर यहाँ पर देखें हम y को, अगर हम लोग इसके इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा? x विल बी एज इट इज, ठीक है, और e की पावर y प्लस टू जेड विल बी एज इट इज। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, जिसको हम नहीं लिखेंगे, एंड देन जी वाई ऑफ जेड का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इसको कैसे लिखेंगे? पार्शल जी वाई और जेड विद पार्शल ऑफ वाई इक्वल टू दिस। ठीक है, हो गया है। अब अगर देखें तो ये और ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज दीज आर द ऑपोजिट इन द इक्वेलिटी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास ये रह जाएगा सिर्फ विद इक्वल टू जीरो, तो इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं पार्शियल जी विद वाई और जेड का फंक्शन विद पार्शियल वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो जीरो आ गया। अब हमने क्या कर देना है? इसको इंटीग्रेट कर देना है बोथ विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास जी वाई और जेड इक्वल टू जीरो को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे? हमारे पास तो जीरो है, तो हम क्या यहाँ पर लगा सकते हैं? इसको हम क्या बोल दें? हम बोल देंगे यहाँ पर h ऑफ z, क्योंकि हमारे पास y तो फाइंड हो गया बट h ऑफ z नहीं फाइंड हुआ, और y क्या है? y ज़ीरो है हमारे पास। ठीक है, सो हम लोग डायरेक्ट h ऑफ z लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास आर्बिट्री कांस्टेंट यही, आर्बिट्री फंक्शन यही है ना, बिकॉज हमने z नहीं फाइंड किया तो हम c नहीं लगाएंगे फिलहाल। ठीक है, सो ये हो गया आर्बिट्री, आर्बिट्री फंक्शन ऑफ z। ठीक है, सो ये हो गया है। नाउ हम लोग ने इसको पुट कर देना है इन phi फंक्शन, तो अगर मैं इसको phi के फंक्शन में पुट करूँगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा h ऑफ z, तो इधर मैं डायरेक्ट पुटिंग कर देती हूँ, इसको हटा देते हैं, सही है। सो ये हो जाएगा प्लस h ऑफ z। नाउ दिस इज अवर न्यू इक्वेशन, और इसको मैं शाइनी स्टार ले लूँगी, जैसे हम शाइन करते हैं ना मैथ्स वाले, वैसे ही हम लोग इसको शाइन वाला स्टार दे देंगे, और हाँ हम शाइन करते हैं। ओके, सो हमारे पास अब जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट फंक्शन बताया कौन सा? द एच ऑफ जेड। तो चलिए एच ऑफ जेड फाइंड करते हैं। एच ऑफ जेड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ले लेंगे द लास्ट बट नॉट लीस्ट फाई फंक्शन, फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल टू क्या था? वो था एक मिनट देखना पड़ेगा। आर था हमारे पास टू एक्स ई और वाई प्लस टू जेड था। ठीक है, चलिए फाई के फंक्शन को सबसे पहले यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये इधर क्यों नहीं दिखता? मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। फाई का फंक्शन क्या है? अब चेंज हो गया है एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड एंड प्लस एच ऑफ जेड इक्वल टू, ये हो जाएगा टू एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो है अंजाम इसका क्या होता है। इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड कर देना है, तो एक्स हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा, ई की पावर वाई प्लस टू जेड का डेरिवेटिव यही आएगा, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, इसका पावर का, तो वो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा, एंड प्लस अगर एच ऑफ जेड को विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो क्या आएगा? पार्शियल एच ऑफ जेड बाय पार्शियल जेड इक्वल टू दिस सेम टू एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन आ जाते हैं एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड, y को विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो y विल बी जीरो, एंड 2z को विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो उसको मैं यहाँ लिख दूंगी
प्लस पार्शियल एच ऑफ जेड अपनी जगह एंड पार्शियल जेड इक्वल टू दिस एज इट इज। ठीक है, अब देखें ये और ये अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो कैंसिल आउट हो गया, पार्शियल जो एच ऑफ जेड है उसके पास फिर से जीरो बच गया है। ठीक है, अच्छी बात है, जीरो जब आ जाता है तो काम जल्दी खत्म हो जाता है ना, मुझे भी जीरो बहुत पसंद है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी जब जीरो आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो मेथड पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा मेथड जीरो प्रॉब्लम देता है, कौन सा मेथड जीरो को रिलैक्स देता है। ठीक है, सो चलिए अगेन हम फंक्शन पे आ जाते हैं, पार्शियल एच ऑफ जेड विथ पार्शियल ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। तो जिस तरह हमने पहले इंटीग्रेट किया था जीरो को, उसी तरह इस तरह भी इंटीग्रेट करेंगे जीरो को। तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड बस, ठीक है, ऑन बोथ साइड बोलते हैं, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच ऑफ जेड इक्वल टू जीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर हम सी लिख सकते हैं, वी आर सी इज द आर्बिट्री फंक्शन, ठीक है ना। सो आर्बिट्री कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ हमारे पास जो है आ चुका है हमारा आखिरी स्टेप, जिसमें हम लिखेंगे रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में हमारे पास फाइ का फंक्शन जो है एक्स वाई जेड को कंटेन कर रहा है, वो तो हमें पहले से ही पता है। अब इसमें ये एच ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, सो वी विल गेट द आंसर। सो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर वाई प्लस टू जेड प्लस कॉन्स्टेंट, एंड दैट्स ऑल, हमारा सल्यूशन हो गई है, हमारी सल्यूशन हो गई है। एंड इसी के साथ होप कि सबको समझ आ गई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरी, जिसकी साइड डिटेल्स वीडियो के एंड में, हम अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं कि अगर उनको मैथ्स की कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ रिमेंबर बीइंग योर स्पेशल प्रेयर्स विद क्वेश्चन नंबर 10।